हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण कुमार रजक माई यूट्यूब चैनल पढ़ेंगी तो बढ़ेंगी फ्रेंड्स में आप सभी का स्वागत है। मेरे दोस्त, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल का घंटा दबा दें मेरे दोस्त, एवं ऑल पर क्लिक कर दें कि ताकि जब भी हम वीडियो को लोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाए, मैसेज आए और आप एक क्लिक से ही वीडियो को देखना शुरू कर दें मेरे दोस्त। और शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्त। चलिए वीडियो में पढ़ते हैं। सामान्य विज्ञान में रसायन विज्ञान से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर सीखेंगे मेरे दोस्त, जानेंगे मेरे भाई। वन लाइनर यानी एक लाइन में यह वीडियो का मेरे दोस्त पार्ट 10 है। इसके पहले हम 1 से लेके 9 तक यह पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे फ्रेंड्स चैनल यूट्यूब चैनल पे लोड कर चुके हैं। आप यूट्यूब सर्च बार में जाके लिख दीजिए या माइक पे बोल दीजिए, मेरा चैनल आपके सामने उपस्थित रहेगा। आप वहाँ विजिट करके बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जीके जीएस का लाभ लें मेरे दोस्त, जो आपको आगामी परीक्षा में बहुत मदद करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए, बिना देर किए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, पढ़ते हैं। नंबर एक प्रश्न शुरू हुआ यह वीडियो का रसायन विज्ञान से। क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है मेरे दोस्त? पारा को कहा जाता है, हरे रंग के कलर में। सभी प्रश्नों का आंसर आपको मिलेगा मेरे दोस्त। चलिए नंबर 2 का प्रश्न है, सफेद स्वर्ण किसे कहते हैं? प्लैटिनम को, ठीक है। नंबर 3 का प्रश्न है, आइए नंबर 3 का प्रश्न है, एसिटिक अम्ल के 10% बिलियन तनु घोल को क्या कहते हैं? सिरिका, सिरिका कहते हैं मेरे दोस्त। नंबर 4 का प्रश्न है, जल की अस्थायी कठोरता दूर क्या करके किया जाता है? जल की अस्थायी कठोरता दूर क्या करके किया जाता है मेरे दोस्त? उबाल कर किया जाता है, ठीक है। नंबर 5 का प्रश्न है, परमाणु भट्टी में मंडक के रूप में क्या प्रयुक्त होता है? भारी जल प्रयुक्त होता है मेरे दोस्त, DTO जिसे कहते हैं। नंबर 6 का प्रश्न है, शुद्ध सेल्यूलोज से क्या बनता है? कागज, ठीक है मेरे दोस्त, कागज बनता है, शुद्ध सेल्यूलोज से कागज बनता है। नंबर 7 का प्रश्न है, ग्रेफाइट को क्या कहा जाता है? पेंसिल लेड, ठीक है। नंबर 8 का प्रश्न है, आइए देखिए नंबर 8 का प्रश्न है, मोटर कार की बैटरियों में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है मोटर कार की बैटरियों में, ठीक है। नंबर 9 का प्रश्न है, सबसे कठोर धातु किसे कहते हैं मेरे दोस्त? सबसे कठोर धातु प्लेटिनम को कहते हैं। नंबर 10 का प्रश्न है, डायनामाइट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है मेरे दोस्त? नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है डायनामाइट बनाने में। चलिए नंबर 11 का प्रश्न है, आग बुझाने के संयंत्रों में किसका प्रयोग किया जाता है मेरे दोस्त? कार्बन ट्रेटाक्लोराइड यानी पायरीन का इस्तेमाल प्रयोग किया जाता है। चलिए नंबर 12 का प्रश्न देखते हैं, बादल तथा कोहरा किसका विलयन है? बादल तथा कोहरा किसका विलयन है मेरे दोस्त? तो कोलाइडी का विलयन है ना, बादल तथा कोहरा कोलाइडी का विलयन है। चलिए नंबर 13 का प्रश्न है, विभिन्न रंगों के प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है मेरे दोस्त? तो नियोन गैस का प्रयोग किया जाता है। नंबर 14 का प्रश्न है, कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? रेडोन का, ठीक है, कैंसर के उपचार में रेडोन का प्रयोग किया जाता है। नंबर 15 का प्रश्न है, हड्डियों और दांतों में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? हड्डियों और दांतों में मुख्य रूप से कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। नंबर 16 का प्रश्न है, यानी 16 का प्रश्न है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु क्या है मेरे दोस्त? तो द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु पारा है। चलिए नंबर 17 का प्रश्न देखते हैं, बर्तनों में कलई चढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है मेरे दोस्त? तो बर्तनों में कलई चढ़ाने के लिए अमोनियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। चलिए नंबर
चलिए नंबर 18 का प्रश्न है मेरे दोस्त, नॉन स्टिक बर्तन, क्या नॉन स्टिक बर्तन का ऊपरी परत किसका बना होता है मेरे दोस्त? तो टेफ्लोन का बना होता है। किसका मेरे दोस्त? टेफ्लोन का। चलिए नंबर 19 का प्रश्न है, सर्वाधिक प्रभावशाली हैलोजन क्या है? सर्वाधिक प्रभावशाली हैलोजन फ्लोरीन है। चलिए नंबर 20 का प्रश्न है, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है मेरे दोस्त? तो फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। नंबर 21 का प्रश्न है, हीलियम क्या कहलाती है? हीलियम क्या कहलाती है? नोबल गैस। हीलियम नोबल गैस के नाम से भी जानी जाती है। चलिए नंबर 22 का प्रश्न है, लोहा को जंग से बचाने के लिए क्या चढ़ाई जाती है? जिंक की परत चढ़ाई जाती है मेरे दोस्त, जस्ता की परत। जिंक यानी जस्ता लोहा के जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है। चलिए नंबर 23 का प्रश्न है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। चलिए नंबर 24 का प्रश्न है, सबसे उत्तम कोयला किसे कहते हैं? सबसे उत्तम कोयला एंथ्रासाइट को कहते हैं। नंबर 25 का प्रश्न है इस वीडियो का एंड लास्ट प्रश्न, कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है मेरे दोस्त? एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है कच्चे फलों को पकाने में। तो मेरे दोस्त वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे मेरे दोस्त अगले वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर यू, धन्यवाद। और मैं जाते जाते बता देना चाहूंगा मेरे दोस्त, यह जो पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे फ्रेंड्स का वाटर मार्क आपको हर पेज पे दिख रहा था, यही मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है मेरे दोस्त। आप यूट्यूब सर्च बार में जाके बोल दीजिए माइक पे, या सर्च बार में लिख दीजिए, मेरा चैनल आपके सामने उपस्थित रहेगा। आप वहां विजिट करके बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जीके जीएस का लाभ लें मेरे दोस्त, जिससे आपको आगामी परीक्षाओं में बहुत अच्छा रिजल्ट हो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे।